पिछली एक वीडियो में हमने पीएफ घोटाले का खुलासा किया था। इस वीडियो को आप सभी दर्शकों का ढेर सारा प्यार और अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसी कड़ी में आज हम पीएफ घोटाले पर मिले एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सबके बीच में आए हैं। पीएफ घोटाले का एक और बड़ा अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पीएफ विभाग के द्वारा ABRY आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के नाम पर कंपनियों का जमकर शोषण किया जा रहा है और कंपनियों में नोटिस भेजकर उनको धमकाने का कार्य विभाग द्वारा जारी है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के नाम पर कंपनियों का जमकर शोषण किया जा रहा है और कंपनियों में नोटिस भेजकर उनको धमकाने का कार्य विभाग द्वारा जारी है। सरकार की ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी कंपनी जब अपने कर्मचारियों को रजिस्टर करती है तो विभाग की वेबसाइट स्वयं उसकी योग्यता निर्धारित करती है और कंपनी इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अब इसका खामियाजा कंपनी वालों को भुगतना पड़ रहा है, जहां पर मोदी सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहीं कुछ सरकारी बाबू सरकार की योजना पर पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियों ने एक शहर से दूसरे शहर में अपना काम शिफ्ट किया है, इस वजह से उन्होंने अपना पीएफ कोड भी दूसरे शहर सेक्शन 2A में ले लिया है तथा अपने सभी कर्मचारियों को भी पिछले कोड से नए कोड में ट्रांसफर कर दिया है। इसका प्रूफ देने के बावजूद अधिकारी कोई न कोई झूठा आरोप लगाकर कंपनियों का शोषण लगातार कर रहे हैं। जी हाँ, कई लोगों ने फेक कंपनी बनाकर फ्रॉड किया है और उसमें फर्जी कर्मचारी दिखाकर बेनिफिट भी लिया है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि सभी कंपनियां चोर हैं, क्योंकि विभाग के अधिकारियों को तो इसके नाम पर कंपनियों में घुसने का लाइसेंस मिल गया है और वे जमकर कंपनियों का शोषण भी कर रहे हैं और मालिकों को डरा धमका रहे हैं। सरकार ने यदि इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं की तो कंपनी को बंद होने में समय नहीं लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ जल्द ही एक और नए पीएफ स्कैम के लिए बड़े खुलासे के साथ और देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज को। नमस्कार।